क्या हाल है भाइयों के? भाई आज है जन्माष्टमी, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। पीछे मैं आकाश भाई, अमित बाबा, दो भाई और हैं अपने। अपना सडन प्लान बनाता, आज जन्माष्टमी है तो अपना सडन प्लान बनाता वृंदावन जाने का। तो भाई हम जा रहे हैं वृंदावन, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। मैं गाड़ी में सो गया था तो इसकी वजह से आँख खुली नहीं थी और छूट कर नहीं पाया मैं। बुला रहे हैं मेरे को, यहाँ रुके थे नेचर स्कोल के लिए। दूसरा काम अपना यहाँ चल रहा है, अपन लगा रहे हैं तिलक लगा रहे हैं पीछे में। बाबा चाचा का नेत्र कैसे लगा? बाबा ने निकाल दिया नया तरीका तिलक लगाने का। ये बताना सिपाही निर्भाई, ये बोलो जय श्री राम। तमाम फलता हूँ ना ना ना, मैं पंडित तो ना हूँ। बोलो बाबा, छोड़ दो छोड़ दो, तिलक ऐसा लगाइयो जो बढ़िया लगे, लेकिन माते के पे वो परमानेंट तिलक मत लगा दियो कहीं चीज। अरे वाह, तुम्हें एक काम ना करें बाबा, तुम्हें पंडित जी बना के ब्रज घाट बना बैठा दे गंगा जी के किनारे। इतना मोटा पैसा कमाओगे, इतना मोटा तिलक बिगाड़ने की बात है, आदमी बिगाड़ने की बात है। बिगड़े हुए आदमी कौन बिगाड़ेगा? तो भाई फिलहाल हम लोग आ चुके हैं वृंदावन, सारे गाड़ी पार्किंग में कर दी क्योंकि भाई जाने नहीं दे रहे वृंदावन में। आपको बोर्ड दिखाता हूँ एक बार, देखो जूम करके। नगर निगम मथुरा वृंदावन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाई यहाँ आके सिंपली वाइब्स चेंज हो गई है, मतलब कि अलग ही जो है फील हो रही है। होता है ना राधे राधे भाई, प्रॉपर भाई, अब क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें, मंदिर चल के मिलते हैं सीधा। है मनोज भाई, क्या लग रहा है, क्या मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा, फुल मज़ा आ रहा है भाई। भाई वाइब्स जो है ना फुल्ली चेंज हो चुकी है भाई, फुल्ली यहाँ से अलग से फील हो रहा है। जैसे 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 केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे ना, जैसे अपन केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे ना, नेगेटिव की बात करोगे तो हम ही चले जाएंगे फिर सुस्ती से। भाई जैसी वाइब्स आ रही थी ना केदारनाथ बद्रीनाथ में भाई, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि सबको पता है कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में क्या चीज है, क्या डिफरेंट है। चिलते रहेंगे, जय मिलते हैं भाई मंदिर पहुंच के। भाई फिलहाल हम लोग पहुंचने वाले हैं प्रेम मंदिर। भीड़ देख रहे हो एक बार, भीड़ कितनी है भाई साहब, क्योंकि जन्माष्टमी है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। अपने बोर्ड दिखाता हूँ आपको एक बार, देखो एंट्रेंस प्रेम मंदिर। भाई कृष्ण जी का जो क्रेज है ना हमारे इंडिया में, वो भाई नेक्स्ट लेवल है, सबको पता है। और बाकी क्या है, इंडियन कल्चर जो है बाहर भी फॉलो होता है, सबसे ज़्यादा मेनली रशिया में फॉलो होता है, आपने देखा होगा राधे राधे भाई चलता रहता है। पहुँचने वाले हैं भाई, देखो बाकी क्रेज एकदम तगड़ा वाला है। भाई प्रेम मंदिर में अंदर आ गए एंट्री में, इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी थी, इतनी भीड़ एलवी यादव के मीटअप पे भी नहीं मिली थी। भाई तीन जने अंदर आए हैं, बाकी लोग बाहर रह गए। मैं एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको प्रेम मंदिर का, पीछे में प्रेम मंदिर है भाई, भीड़ देख रहे हो पीछे भाई, एक्सट्रीम लेवल भीड़ है। और आज तो भाई होनी भी थी, मैं दिखाता हूँ भाई ये जो कलर चेंज है भाई, ड्रोन भी उड़ रहे हैं ऊपर, मैं दिखाऊँ मैं तुम्हें, देखो ड्रोन दिख रहा है तुम्हें, काश हम भी ड्रोन लाते, लेकिन अलाउ नहीं है, हो सकता है ये सिक्योरिटी वालों का हो। मैं भाई आगे चलते हूँ यार, हाथ पकड़ के आ जाओ, जय आ जाओ, इधर दिखाता हूँ मैं तुम्हें एक बारी, कृष्ण जी आओ। भीड़ देख रहे हो भाई प्रेम मंदिर में, दिखा दो, लाइटनिंग बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल तो भाई ज़्यादा रात हो भी नहीं रखी, लेकिन जब अंधेरा हो जाता भाई एक्सट्रीम लेवल लगती है। मेरा पूरा प्लान था, मैं गोप्रो लेकर के आया था कि साइड में रखेंगे, टाइम लैप्स लेंगे, लेकिन ऐसी भीड़ में तो भाई पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ है, हम मानते हैं कि अनिल भाई इधर आओ ना, हम एक चीज़ तो मानते हैं कि इतने खुश नसीब है, कम से कम पसीने में है तो है, लेकिन प्रभु के दर्शन करने तो आ रहा है। इधर देखो लाइटनिंग शो इधर भी चालू हो गया भाई मेरे, कृष्ण जी ऊपर ये गोल गोल घूम रहे हैं, वो मतलब वो किया था ना शेषनाग के ऊपर, शेषनाग था कौन था, शेषनाग के ऊपर तांडव किया था अगर मैं सही हूँ तो, कालियानाग, सॉरी कालियानाग, हाँ गलती सुधारेंगे मैं अपनी, कालियानाग। भाई उधर में भी लाइटनिंग वगैरह पूरा प्रॉपर, और मुझे नहीं पता आपको म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन भाई एक्सट्रीम लेवल है वो भी। पसीने देख रहे हो गाइस, पसीने कितने आ रहे हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं परिक्रमा करने प्रेम मंदिर। भाई नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है।
रखे हैं परिक्रमा करते करते। प्रेम मंदिर दिखाता हूँ आपको, लाइटिंग इसकी कंटिन्यू चेंज होती रहती है भाई। मेरे पीछे में फाउंटेन देखो, फाउंटेन भाई, जो मेन फाउंटेन है बीच में से जहाँ से पानी निकला उसकी लाइटें वगैरह बंद कर रखी है, वो चालू होगी भाई प्रॉपर जब चांद निकलेगा उसके। भाई इसके पीछे में आती है भाई गवे वाए प्रतिमा बना रखी है पूरी, कन्हैया जी की फेवरेट चीज़ जो थी भाई। ये पूरा ऐसे राउंड है, ऐसे जाना पड़ेगा, उसके बाद मंदिर की तरफ जाएंगे। भीड़ भाई नेक्स्ट लेवल चल रखी है। मुझे नहीं लगता अब जो मैं चीज़ तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है तुम लोगों को। एक बार देखो ये चीज़, इस चीज़ को हर कोई जानते हैं भाई, पूरी गीता का ज्ञान यहीं से निकला था। जस्ट पूरा मंदिर उसके जस्ट इधर में आता है और फाउंटेन वगैरह इधर में है। अभी हम ऐसे घूम के मंदिर जाने वाले हैं, पूरा अंदर जाके उसके अंदर की जो बाउंड्री है वहाँ से परिक्रमा करेंगे। चलते हैं भाई उधर, भीड़ ज़्यादा हो रखी है, फ़ोन निकालते हुए डर लगता है कि हाथ से छूट ना जाए। भाई हम लोग मंदिर में ऊपर आ गए और वाइब दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। यहाँ हर एक भक्तगण प्रभु की भक्ति में लीन मिलेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। प्रेम मंदिर के भाई यही खासियत है, आप देख सकते हो आगे में जितने भी भक्तगण हैं सब प्रभु की भक्ति में लीन मिलेंगे भाई। हम भी चलते हैं प्रभु। मेन जो प्रतिमा है वो यहाँ पे है, कोशिश तो पूरी रहेगी मेरी आगे जाने की। बाहर निकले हैं, अब देख सकते हो बाहर का क्या नजारा हो रहा है भाई। मेरे को एक चीज और बढ़िया दिखे, मैं फाउंटेन की बात कर रहा था ना, तो हम जस्ट दर्शन करके निकले फाउंटेन की, लाइट जल चुकी है, मैं फाउंटेन की तरफ जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए फाउंटेन चलता कैसे है वो वाला। दिक्कत पता है हमारे साथ क्या है, हम तीनों ब्लॉगर हो रखे हैं, तीनों फोन में घुसे रहते हैं और दिक्कत ये होती है कि हम कहीं मतलब एक दूसरे से पिछड़ ना जाएं। भाई फाउंटेन के पास आ गए हम लोग, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ऐसा अक्षरधाम में भी देखने को मिलता आपको, लेकिन भाई वो दिल्ली है, ये अपना वृंदावन है। अरे आप लोग अटकेंगे थोड़ा, अरे गार्ड साहब थोड़ा सा फ्रेम से हट जाओ, फ्रंट व्यू दिखाऊं मैं आपको अगर आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ से, लेकिन हाँ दिख रहा है भाई।
पूरा, जैसे आजकल तो हॉल वगैरह में, सिनेमाज में, पीवीआर में चलती है ना वाइट कपड़े के ऊपर, ये भाई वाइट वाटर के ऊपर चल रही है पूरा। मैं सामने से जाके दिखाता हूँ आपको एक बारी, आओ मेरे साथ आओ तुम लोग। दिक्कत मेरे को एक ये भी है, मेरे दोनों भाई साथ में, दिक्कत ये है कि अगर मैं खो ना जाऊँ, अगर अलग हो गया ना तो भाई बहुत भीड़ है, मैं बैठा रह जाऊँगा, यहीं मिलूँगा नहीं मैं किसी को। फिर फ्रंट व्यू देखो भाई, खूबसूरती है भाई प्रेम मंदिर की। होप सो जो जो लोग मेरी वीडियो देखेगा, मेरा व्लॉग देखेगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई एक बार जरूर आना प्रेम मंदिर। अब हम प्रभु की लीला में दोनों आ गए हैं। भाई पसीने देख रहे हो, स्वेटिंग किस कदर आ रही है, सब प्रभु की कृपा है। और मैं एक बेहतरीन सी चीज़ दिखाने वाला हूँ, बहुत धांसू, देखते रहना आप लोग। आप लोगों को प्रेम मंदिर का टाइम टेबल दिखाता हूँ मैं एक बारी, पोज कर लेना और जब भी आओ इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आना आप लोग। भाई भीड़ हो रखी है बहुत ज़्यादा, एक एग्जिट उधर में है, अरे एक एग्जिट इधर में, हम जा रहे हैं इधर से मंदिर के बाहर, मिलते हैं मंदिर के बाहर क्योंकि थोड़ा सा लेना साथ भाई, देख लो इधर। फिलहाल भाई मंदिर से बाहर आ गए दर्शन करके, मार्केट आए हुए थे, मार्केट से लिया है मैंने चंदन और एक लिया इत्र की छोटी सी डिब्बी। फिलहाल एक मंदिर सामने में है, इस्कॉन टेम्पल है, अगली बार आएंगे तब चलेंगे। फिलहाल भाई हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, अगर नींद नहीं आई तो व्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे, वरना यहीं तक का था सफ़र तुम्हारा हमारा, ठीक है ना। अगली वीडियो में मिलेंगे हम तुमसे, बाकी का क्या सीन है वो मैं तुम्हें गाड़ी में पहुंच के बताता हूँ, ठीक है। अभी भाई दो बंदे ये रहे, दो पहुंच चुके गाड़ी में, हम लोग भी जा रहे हैं गाड़ी में। कहाँ जा रहे हैं मनोज भैया? टीपी में। उधर चलो उधर। उधर किधर? उधर चलो उधर। उधर किधर? उधर किधर? बाबा बाबा भग गए भाई छोड़ के, बाबा की तलाश में जा रहे हैं हम, ठीक है। लो भाई पार्किंग पे आ गए अपन, पार्किंग थी यहाँ से पूरे पूरे 2 से 2.5 किलोमीटर। गाड़ी दिखाऊँ आपको सामने में, स्विफ्ट। दो बंदे अपने पहले ही आ गए थे भाई, देखो गाड़ी स्टार्ट है, एसी पेसी मस्त चला रखा। क्या है? कैसे भगी आए तुम वहाँ से तो बताओ? ऐसे आए गुस्से। बताओ गुस्से में किस चीज का गुस्सा? चलो भाई चलो, मिलते हैं भाई तुमसे अगली वीडियो में। अभी घर पहुँचते हैं, घर चल के सेलिब्रेट करते हैं। अभी टाइम हो रखा है, मैं तुम्हें बताऊँ 10:05। तो भाई फिलहाल अब के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। बाकी भाई शॉर्ट्स कंटिन्यू आ रहे हैं अपने, शॉर्ट्स देखते रहो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी।